जी। सीबीआई जांच चाहते हैं। कोई खास वजह सीबीआई जांच की? आप सीबीआई जांच चाहते हैं? जांच इतनी है। सीबीआई जांच से कम कुछ मंजूर नहीं है। लेना चाहिए हमको छवि जो बनी हुई है उसको अगर नुकसान पहुंचाने वाला हो तो भी इन्होंने कहा कि हम सीबीआई जांच चाहते हैं। नहीं, मेरा पूरा परिवार सीबीआई जांच ही चाहता है। सीबीआई जांच के अलावा हमें कुछ मंजूर नहीं। अंदेशा था और आप वो सीबीआई को ही बताएं? हाँ, बहुत सारे कारण है, वो मैं अभी नहीं बताना चाहती, लेकिन जांच मैं राजस्थान पुलिस से नहीं, मैं सीबीआई से ही करवाना चाहती। नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया। सीबीआई जांच छह के साथ अच्छा, बुरे को सजा दिलाना। जी, हम सारे सीबीआई जांच ही चाहते हैं। दो दिन का समय दिया था, वो समय आज पूरा हो गया। उनको फैक्स किया है, ईमेल किए हैं कि सीबीआई के द्वारा जांच करवाई जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वतंत्र पत्रकार रवि विश्नोई। हमारे जांबाज सीआई विष्णुदत्त विश्नोई की मौत के बाद मैं भी उतना ही विचलित हूँ जितने कि आप तमाम लोग। दोस्तों, विष्णु जी की मौत के पश्चात हम तमाम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि उनकी मौत के कारणों की जांच हो और वो जांच देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई करे। इसकी मांग को लेकर अनेक तरह की मुहिम चलाई गई, धरना प्रदर्शन तक की बात हुई। अनेक एमपी एमएलएज ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा, उसमें कांग्रेस के लोग भी शामिल थे, उसमें भाजपा के लोग भी शामिल थे। तमाम लोगों ने गुहार लगाई कि इस जांबाज अधिकारी की मौत के पीछे के कारणों की जांच सीबीआई से होनी ही चाहिए। एक प्रतिनिधिमंडल बिश्नोई समाज का, जिसमें अन्य समाज के लोग भी शामिल थे, बिश्नोई महासभा के संरक्षक कुलदीप बिश्नोई के नेतृत्व में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिला। उसके बाद में ये तय हुआ कि अगर सभी परिजन चाहते हैं तो सीबीआई जांच की अनुशंसा राज्य सरकार करेगी। अब ये जो एक लाइन थी, ये लाइन अपने आप में काफ़ी सवालों से घिरी हुई थी। आखिर सभी परिजनों को क्यों ऐतराज़ है कि वो सीबीआई जांच नहीं करवाना चाहते? विष्णु जी के परिवार के साथ मैं बैठा हूँ, जिसमें उनके तमाम लीगल वारिस, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, तमाम लीगल वारिस यानी उनके पिता, उनकी माता, उनकी पत्नी, उनके बच्चे और उनके भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ये तमाम लोग चाहते हैं कि ये क्या चाहते हैं, हम इन्हीं से बात करेंगे, इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले मैं विष्णु जी के पिताजी का रुख करना चाहूँगा, कृष्णलाल जी का, जो लोनेवाड़ा में इस वक्त उनकी शोक सभा में बैठे हैं। कृष्ण जी, सरकार ये कहती है कि अगर विष्णु जी के परिजन एकमत हों तो वो सीबीआई जांच करवा लेगी। आप इनके पिता हैं, आप लीगल वारिस हैं, आप क्या चाहते हैं? सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच चाहते हैं? कोई खास वजह सीबीआई जांच की? न्याय मिलना चाहिए हमको, तो न्याय मिलना चाहिए। ये इनकी माताजी हैं विष्णु जी की, ये भी साथ बैठे हैं। माताजी, आप क्या चाहते हैं? आप सीबीआई जांच चाहते हैं? जांच इतनी है। सीबीआई जांच से कम कुछ मंजूर नहीं है? बहुत कुछ मंजूर, बस न्याय दिलाओ बेटा, और की कौन चाहिए। बेटा तो गिर हो गए, दुनिया आपके पास आ रही है, शोक जताने आ रही है, जगह जगह से लोग आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं तमाम लोग आपको? यही कह रहे हैं, सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपको न्याय चाहिए और वो भी सीबीआई से चाहिए। भले ही सीबीआई, अभी कुछ दिनों पहले ये बात आई कि अगर सीबीआई जांच होती है तो हो सकता है कि आपके बेटे पे कुछ ऐसे आरोप लग जाएं जो अभी तक आपने नहीं सुने हो, क्या उन आरोपों की परवाह है आपको? अगर वो आरोप लगते हैं तो भी क्या आप सीबीआई जांच चाहते हैं? जांच चाहते हैं जी हम, जो न्याय मिलना चाहिए हमको, तो न्याय मिलना चाहिए, जो सच है वो सामने आना चाहिए। यही माताजी आप चाहते हैं? ठीक है। ये विष्णु जी का बेटा है जो अपने पिता की तेल चित्र के पास बैठा हुआ है। विष्णु जी की धर्मपत्नी भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इनके माता पिता देहाती हैं, कृषि करते हैं लोनेवाला गांव रायसी नगर के पास, और ये तमाम लोग आंखों में आंसू लिए हुए सिर्फ सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, मैंने इनसे ये भी पूछा कि अगर सीबीआई जांच के बाद नतीजा विष्णु जी की छवि जो बनी हुई है उसको अगर नुकसान पहुंचाने वाला हो तो भी इन्होंने कहा कि हम सीबीआई जांच चाहते हैं। इनकी पत्नी जी से बात कर लेते हैं हम। भाभी जी, विष्णु जी चले गए और उनके जाने के बाद में जिस तरह का एक समंदर लोगों में देखा गया कि एक जांबाज अधिकारी, ईमानदार अधिकारी क्यों चला गया, और हर किसी का रुख जो है वो लोनेवाला की तरफ है। अब सरकार ये कह रही है कि
परिजन अगर चाहें तो जांच हो जाएगी। आप तमाम लीगल वारिस हैं, आप जांच से चाहते हैं, इसके अलावा कोई और उपाय आप लोग? नहीं, मेरा पूरा परिवार सीबीआई जांच ही चाहता है। सीबीआई जांच के अलावा हमें कुछ मंजूर नहीं है। सीबीआई जांच से पता चलेगा क्या कुछ हुआ। और अगर सीबीआई जांच का नतीजा कुछ ऐसा हुआ जो विष्णु जी की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला हो तो? हाँ, वो मंजूर है हमें। वो आपको मंजूर है? वो मंजूर है, हमें विश्वास है ऐसा कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन हमें जांच सीबीआई ही चाहिए। अच्छा भाभी जी, आपकी बात हुई होती है भाई साहब से तो आपको ऐसा कुछ अंदेशा था कि उनको कौन लोग परेशान करने वाले हैं? हाँ, अंदेशा था, और आप वो सीबीआई को ही बताएंगे? हाँ। दूसरा एक पक्ष ये भी आता है भाभी जी के, जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राजस्थान पुलिस निष्पक्ष जांच कर लेगी, और आपके पति जो हैं वो राजस्थान पुलिस के इंस्पेक्टर थे, बड़े इन्होंने राजस्थान पुलिस के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, एक दबंग थानाधिकारी थे, तो राजस्थान पुलिस के अलावा आप सीबीआई जांच ही क्यों चाहते हैं? राजस्थान पुलिस पर भरोसा नहीं? क्योंकि उनकी शुरू में मिस्टेक हुई है, उन्होंने फ़ोन नहीं किया जी। ऐसे क्या क्या कारण हैं उस वजह से आप सीबीआई चाहते हैं? सारे कारण हैं, वो मैं अभी नहीं बताना चाहती, लेकिन जांच मैं राजस्थान पुलिस से नहीं, मैं सीबीआई से ही करवाना चाहती हूँ, भले ही जांच के परिणाम कुछ भी हो। हाँ, कुछ भी हो। आपको ऐसा लगता है कि कई लोगों का दबाव था? हाँ, वो इलीगल रूप से प्रेशर में थे, ब्लैकमेल कर रहे थे। हाँ, और उन ब्लैकमेल करने वाले लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए, इसीलिए हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उन लोगों का पता तो चले ना, वो कौन लोग थे, क्या चाहते थे, उनसे क्यों इतना प्रेशर डाल रहे थे उन पर जी, तो हमें सीबीआई जांच से पता चल जाएगा। आपके पास समाज के तमाम लोग आकर मिले हैं भाभी जी, मंत्री जी तक आ चुके हैं, आपने उनको जो पत्र दिया वो आपके हाथ से लिखा हुआ था, आपने उस पत्र में सीबीआई जांच की डिमांड की थी? हाँ जी। तो मंत्री जी ने क्या कहा? मंत्री जी ने कहा था वो, भाई मैं सीबीआई जांच करवा दूंगा, और 2 दिन का टाइम दिया था जी, वो 2 दिन कल पूरे हो गए। अभी कोई सरकार की तरफ से आपको कोई बातचीत के लिए कोई आया आपके पास? नहीं, कोई नहीं आया। अच्छा, 2 दिन का टाइम सरकार ने जो मांगा था परिजनों की एक मत होने के पश्चात, वो टाइम निकल चुका है, उसके बाद में कोई अधिकारी आया आपके पास? नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया जी। कुल मिलाकर बात यही एक रह जाती है कि आप किसी भी सूरत में तमाम लोग, माता पिता पत्नी और बच्चे जो लीगल वारिस हैं, भाई भी शामिल हैं उनमें, वो तमाम लोग सीबीआई जांच ही चाहते हैं। जांच चाहते हैं जी, पूरा परिवार एक है, सीबीआई जांच ही चाहिए। बेटा, आपको तो मैंने देखा था, इधर उधर वीडियो में भी देखा, आपके पिताजी की मौत के बाद आपने भी इसी तरह की जाँच की बात की है, आप क्या चाहते हैं अब? सीबीआई जाँच, क्या हासिल हो जाएगा उससे, कभी सोचा आप? न्याय मिल जाएगा। आपके पापा से आपकी बात हुई तो वो लास्ट बात आपकी हुई तो वो क्या कह रहे थे आपको, उनको लेकर क्या सपना था, आपको लेकर उनका क्या ख्वाब था? पापा चाहते थे कि मैं कोई ऐसी सर्विस करूं ताकि मैं लोगों का भी भला कर सकूं, कोई अच्छा काम करूं आगे जाके, जैसे पापा करते थे, अच्छे के साथ अच्छा, बुरे को सजा दिलाना, इस तरह लोगों की मदद करूं, ऐसी कोई जॉब में जाऊं। ये वो बेटी है, ये वो पूरा समूचा परिवार है जिसकी बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कर रहे थे कि ये समूचा परिवार अगर एकजुट एक सहमत होता है तो सीबीआई जांच करवा ली जाएगी। आज इस वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि समूचा परिवार एक साथ है, एक इनके भाई भी हैं जो पेशे से अध्यापक हैं। सुभाष जी, आप क्या चाहते हैं? जी, हम सारे सीबीआई जांच ही चाहते हैं, और इसके बारे में मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था, हमारा जो प्रतिनिधि मंडल था जिसमें महासभा के सदस्य थे, पूर्व विधायक थे, वर्तमान विधायक भी थे, तो उनको हमारे परिवार की तरफ से हमने जो प्रार्थना पत्र दिया था उसमें हमने सीबीआई जांच के लिए ही बोला था, तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन का समय दिया था, वो समय आज पूरा हो गया, और उसके बाद में आज भी हमने अपने परिवार की तरफ से लिखित रूप से उनको फैक्स किया है, ईमेल किए हैं कि सीबीआई के द्वारा जांच से करवाई जाए और हमें न्याय मिलना चाहिए इसके लिए। शुक्रिया सुभाष जी। तमाम परिवार विष्णु जी के तेल चित्र के सामने बैठा हुआ, शोक सभा में बैठा हुआ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ये संदेश देने का प्रयास कर रहा है कि ये समूचा परिवार सीबीआई जांच से कम कुछ नहीं चाहता, इन्हें अपने बेटे की इस मौत के कारण का खुलासा सीबीआई के जरिए करवाना है ताकि सच, चाहे वो जैसा भी हो, वो इनके सामने आ सके। उन पे दबाव बनाने वाले तो वो तमाम लोग जिन पे इन्हें संदेह है वो बेनकाब हो सकें,
और विष्णु जी जैसे जांबाज अधिकारी को देखकर सड़कों पर उतरे हजारों युवाओं को एक बार पुनः विश्वास जग सके कि विष्णु जी जैसा इंसान उस जैसा ही बनना चाहिए। सहयोगी सुनील गोदारा के साथ रवि बिश्नोई, लूनेवाला।